हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला साहब। अभी आप जैसे यहाँ आज पहुँचे हैं, राकेश टिकैत जी के साथ पहुँचे हैं, यहाँ 8 महीने होने वाले हैं किसान आंदोलन को। आप क्या चाहेंगे कि आगे किस तरह से सरकार इनकी बात सुने, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो किसान नेता हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जो है केस भी लग सकता है। मौजूदा सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए हर किस्म की हरकत करेगी। हम उस सारी इनकी साजिशों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, हमें चिंता नहीं। अगर ये गोलियां बरसाएंगी तो हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं। खट्टर सरकार ने जो है हरियाणा में वहाँ पर किसानों को एक तरीके से दबाया है, जिस तरह के गंदे खेल खेले जा रहे हैं, आप क्या करें चाहेंगे वहाँ पे, लोगों को किस तरह से अपील करेंगे? आप आंदोलन को केवल हरियाणा तक सीमित रखना चाहती हैं क्या? ये सारे राष्ट्र के सत्र का आंदोलन है, केवल हरियाणा का नहीं है। और इसीलिए मैंने बताया है कि आज 36 जात के लोग जो हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ये जो संघर्ष पर लोग बैठे हैं, इनमें आप सभी तरह के देखो ना कि हरियाणा के लोग तो केवल सेवा करते हैं, इनकी लड़ाई तो ये बाकी दूसरे प्रदेशों के लोग लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सब जगह के लोग आए हुए हैं। इसलिए 36 जात के लोग इकट्ठे होकर के इस कुशासन का अंत करने का निर्णय ले चुके हैं। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों के सामने आ रही है कि आज कोई विपक्ष का मजबूत नेता नहीं है इसके पास, तो नेता चुने नहीं जाते, नेते तो हालात से बढ़ते हैं। आपको याद कराना चाहूँगा मैं, श्री मुरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह का 78वां जन्मदिवस हमने दिल्ली में मनाया था और मुरारजी देसाई ने मेरे पिताजी को टेलीफोन पर बुला करके ये कहा था कि आप इस आंदोलन में भाग ना लें। चौधरी साहब ने कहा कि ये किसान का आंदोलन है, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो हाँ भाग ले हूँ। तो बोले फिर आपको चीफ मिनिस्ट्री से हटाना पड़ेगा मुझे। तब उन्होंने ये कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। और चौधरी चरण सिंह के 78वें जन्मदिवस पर एक विशाल जनसभा भी हुई थी, अपोजिशन का लीडर भी बनाया गया था, उनको 78 लाख रुपए भी भेंट किए गए थे, तो नेतृत्व निकलेगा कि नहीं? तो इस आंदोलन में से भी उभर करके नेतृत्व निकलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि संसद तक मार्च करने से सरकार के कानों पर जू रेंगेगी आखिरकार? प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रजातांत्रिक तरीके से हम सरकार को मजबूर करेंगे कि लोगों की बात को माने, और हम उनको सबूत के साथ ये कहेंगे कि तुमने ये जो कानून बनाए हैं ये गलत बनाए, लोगों की गैर हाजिरी में बनाए। इसलिए इस सेशन में पार्लियामेंट के मेंबर बैठेंगे, तुम उस कानून पर नए सिरे से चर्चा करो, और नए सिरे से जब चर्चा होगी तो कानून बदला जाएगा। बातचीत हुई है वो तो अंदर की बात है, भाई क्या बताया था बातचीत, तो पता नहीं क्या क्या बात हुई, अभी से क्यों बताया था? तो किसान जानना चाहता है। हाँ, तो किसान जानना चाह बता देंगे, जब टाइम आएगा बताएंगे सब। और पार्लियामेंट में ये है कि 22 तारीख में किसान जाएंगे, 200 लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, अभी से पहले ही क्यों हम कह रहे हैं? 22 तारीख को देखेंगे क्या होगा। देखो हरियाणा में क्या चल रहा है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो इस आंदोलन को पूरे को हरियाणा में ले जाना चाहता है कि दिल्ली छोड़कर हरियाणा में चले जाएं, वहां में आपस में ही उनमें वो है। मुख्यमंत्री को दिल्ली सेंटर की कुर्सी चाहिए, वहां के जो गृह मंत्री है उसको मुख्यमंत्री बनना है, तो आपस में ही उनका तालमेल ठीक नहीं है। मुकदमे लिखे जा रहे हैं सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में, आंदोलन तो दूसरी जगह भी चल रहे होंगे, तो ऐसा थोड़ा कि हरियाणा में ही चल रहा। अभी तो भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन है, जिस दिन हरियाणा के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा तो उस दिन देख लेंगे। अभी तो उनकी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हरियाणा के लोग पूरा आंदोलनरत हैं, वे रोज मुकदमे लिख रहे हैं।
तो उनका भी शौक पूरा कर देंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री का भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रोज रोज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं हरियाणा में, अभी भी हिसार में, सिरसा में भूख हड़ताल पे किसान बैठे हुए हैं, बहुत जगह आंदोलन चल रहे हैं वहाँ पे भी। हाँ बातचीत, हाँ बातचीत हो जा तो सब बात ही तो होती है, बिना बात के बात थोड़ा होती है भाई। सीनियर लीडर हैं, हरियाणा की जमीन पे बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो क्या उसकी रूपरेखा है, क्या वो है, तो वो भी बातचीत करिए। हाँ ठीक है भाई, उनको ये लगता है कि जिस तरह से देश जा रहा है, जहाँ पर जा रहा है, तो इस तरह से चुनाव ही एक रास्ता बचता है। जब पूरा देश आंदोलन कर रहा है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा भिजवा में राष्ट्रपति जी के पास में भिजवा में, पार्लियामेंट सेशन चल ही रहा है, दे और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए देश में। नहीं कल भी उठा रोड़ा रुका हो रहा, उठावेंगे मुद्दा, वहाँ पे चल रहा है, किसी भी इशू पर बात चल रही, जो विपक्ष हैं वो मजबूती से अपनी बात पार्लियामेंट में कह रहा है।